हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे अगर आप अपना बैंक ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करेंगे। इनकम टैक्स के पोर्टल पे अगर आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आपको बैंक ऐड करना मैंडेटरी है, ठीक है। कैसे ऐड करना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको प्रोफाइल यहाँ पे दिखेगा, प्रोफाइल पे क्लिक करना है आपको। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे माई प्रोफाइल दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिकली आपको माई बैंक का डिटेल जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके नाम देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे माई बैंक अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कोई बैंक ऐड किया होगा तो यहाँ पे ऐड दिखाएगा, बट अगर ऐड नहीं किया है तो सिंपली आपको ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर वापस से रिपीट करना है। अगर आप रिपीट करेंगे और दोनों जगह सेम अकाउंट नंबर रहेगा तो यहाँ पे सक्सेस करके लिख के आएगा, ठीक है। कोई नंबर अगर आपने चेंज कर दिया है तो यहाँ पे सक्सेस लिख के नहीं आएगा, तो सक्सेस लिख के आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अकाउंट टाइप में आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि सेविंग है, करंट अकाउंट है, कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है या एनआरओ अकाउंट है, ठीक है। तो मेरे केस में सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर टाइप सेलेक्ट करना है कि प्राइमरी है या ज्वाइंट, ठीक है। अगर आपका और आपके वाइफ का नाम साथ में है तो ज्वाइंट आपको सेलेक्ट करना है, सिर्फ आपका ही नाम है तो प्राइमरी आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको आईएफएससी कोड यहाँ पे डालना है। जैसे ही आप करेक्ट आईएफएससी कोड डालेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपका बैंक नेम लिख के आ जाएगा, ब्रांच नेम लिख के आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिख के आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बेसिकली वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिटेड करके आएगा। अगर आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सेम बैंक में भी वही है और इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपने क्रिएट करते वक्त प्रोफाइल में भी सेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाला है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैलिडेट हो जाएगा, ओके कर देना है। क्लोज करने के बाद आप कुछ देर बाद आके चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो मैंने यहाँ पे बैंक ऐड किया है तो यहाँ पे बैंक ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली बैंक को ऐड करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक कैसे ऐड करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। आपको कोई दिक्कत आ रही है बैंक ऐड करने में तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।